खबर इटारसी से। मुस्लिम समाज ने किया मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त। नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदापुरम आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का मुस्लिम समाज ने सर्किट हाउस में आभार पत्र देकर और शॉल पहनाकर आभार व्यक्त किया। मुस्लिम युवा समाज सेवी आमीन राइन ने बताया 1991 से निरंतर ये प्रयास किया जा रहा था कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया जाए, जिससे अब देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक सीता शरण शर्मा के प्रयासों ने पूरा किया। श्री राइन ने वहीं से मांग की, प्रदेश में जहां से मां नर्मदा का निकलना हुआ, हर जगह का नाम नर्मदा के अनेकों नाम से रखा जाए। एक माला में मोती की तरह मां नर्मदा का नाम चमके। कौन बनेगा करोड़पति फेम फैज खान ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के सेट से अभिनेता अमिताभ बच्चन से निवेदन किया था और कई बार पत्राचार किया कि उनकी आवाज में नर्मदा जी की आरती गाई जाए। जिस तरह हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ी है, उसे मां नर्मदा के तट पर भजन में लाई जाए। समाज की तरफ से शहर काजी अशफाक अली, नईम राइन, जावेद अली और अनेकों लोग मौजूद थे। क्या प्रोग्राम था आज का? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कई वर्षों से होशंगाबाद नगरवासियों की एक डिमांड रही कि जो जीवनदायिनी माँ नर्मदा हमारे क्षेत्र से बहती है, उसके नाम पर इस शहर का नाम होना चाहिए। 1991 से ये प्रयासरत थे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदा के नाम से नर्मदापुरम किया। और हमारी उनसे एक डिमांड और है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा है और जितने क्षेत्रों से माँ नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, उन सब का नाम माँ नर्मदा के अनेक नामों में से होना चाहिए, ताकि जो नर्मदा जी की जो माला है वो हमारे शहरों के नाम से उनके मोतियों की तरह दिखे। इतना ही कहकर मैं सभी को आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने हमारे शहर का नाम नर्मदापुरम किया। और आने वाले समय में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अन्य शहरों के नाम जहां से नर्मदा जी निकल रही हैं, उन सब का नाम नर्मदा के ऊपर रखा जाए। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।